बनाते हैं फिर गेहूं के आटे से बना हुआ पिज़्ज़ा। सबसे पहले थोड़े से गुनगुने पानी में ईस्ट डाला है और उसमें शक्कर डालकर मिला दिया है। अब हम इसी पानी से गेहूं का आटा गूंद देंगे हमारे पिज़्ज़ा बेस के लिए। इसे गूंदने के बाद आपको इसे तैयार होने के लिए 1.5 से 2 घंटे तक के लिए छोड़ देना है और फिर वो जब फूल जाए उसे दोबारा गूंदकर 1/2 घंटे के लिए रख देना है और उस 1/2 घंटे के बाद जब वो तैयार हो जाए उसे आपको दोबारा बिल्कुल नहीं गूंदना है, उसी आटे का आपको बेस बेल देना है। पिज़्ज़ा सॉस के लिए मैं ले रही हूँ कुछ कटे हुए प्याज, पिसी हुई टमाटर, कटी हुई टमाटर, कटी हुई शिमला मिर्च और कुछ लहसुन। सबसे पहले गरम तेल में लहसुन और जीरा डाल दिया है, फिर मैं डाल रही हूँ प्याज, अब डाल रही हूँ गेहूँ का आटा। जी हाँ, इसमें बिल्कुल भी मैदे का इस्तेमाल नहीं करना है हमें, थोड़ा सा नमक। अब डाल रही हूँ इसमें कटे हुए टमाटर। अब उसे अच्छे से मिलाकर पिसी हुई टमाटर को उसमें मिला देना है। अब बारी आती है कटे हुए शिमला मिर्च डालने की। अब कुछ कश्मीरी लाल चिली पाउडर। जब ये पूरी तरह पक जाए इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पानी। हमारा पिज़्ज़ा सॉस बिल्कुल तैयार है। अब चीज़ स्प्रेड के लिए मैंने गेहूं का आटा लिया है गरम पैन में, इसे अच्छे से भून रही हूँ। उसमें बटर ऐड कर दिया है और अब लो फ्लेम में इसका पेस्ट तैयार कर देना है। इसे अच्छी तरह से भून कर इसमें डालेंगे हम दूध। अब जब इसमें क्रीमी टेक्सचर आ जाए हम डालेंगे मिक्स्ड हर्ब्स और ये गाढ़ा बनकर जब तैयार हो जाए गैस बंद कर देना। अब गेहूं के आटे का पिज़्ज़ा बेस तैयार करते हैं। पैन को तेल और सूजी से ग्रीस कर तैयार कर देना है जिसके ऊपर जाएगा हमारा ये बेस। इसमें चीज़ का 2 लेयर डलेगा। इसे आप अपनी मन चाही तरीके से बेक कर सकते हैं। चलिए लगे हाथ मैदे का पिज़्ज़ा भी बना ही लेते हैं। क्रंची क्रस्ट और जूसी टॉपिंग्स के साथ हमारा गेहूं के आटे से बना हुआ पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार है। आप इसे ट्राई करोगे तो ये कैसा बना है मुझे ज़रूर बताना। और मेरे बनाए हुए डिशेस अगर पसंद आते हैं ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। मिनी मसाला का मसाला इंस्टाग्राम पर भी है, फॉलो करना मत भूलना।